सब सर कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? सब बढ़िया चल रहा है। आपके नए शो के प्रोमो की बहुत चर्चाएं हो रही है, तो जस्ट टेल मी अबाउट योर न्यू शो। अब पहली बात सुन के बहुत अच्छा लगा कि हमारे जो हमारी जो न्यू सीरीज है टीवी सीरीज के, क्योंकि 110 एपिसोड 100 एपिसोड की सीरीज है ये, तो खुशी होती है जब ये सुनने को मिलता है कि जो प्रोमो पहला जो टीजर लॉन्च किया वो काफ़ी चर्चा हो रही है मार्केट में। पीपल आर रियली लविंग एंड आई वॉच सो मच लव, हर किसी से बहुत सारा कहते ना प्यार मिला मुझे कि हाँ कुछ तो है, तो एक्शन पैक एकदम, यू नो, सो आई एम हैप्पी कि ऐसे आज रिस्पॉन्स हमको मिला प्रोमो से। कृप कपूर सूरी एक नए अवतार में देखने को मिलेगा। कृप कपूर सूरी का जो किरदार का नाम है वो है अग्नि। अब अग्नि नाम से आप समझ सकते हैं आग बबूला, हमेशा यू नो जिसका नाम ही अग्नि हो तो हमेशा आग साथ में लेके चलता है। तो ऐसा ही कुछ किरदार है जो जिसके तीन शेड्स देखने को मिलेंगे पूरे शो में। एक वो यंग एज जिसने 20 साल पहले जो बाघिन को मारता है, शिकारी बेसिकली दिखाया, जो बाघिन को मार के उसकी खाल बेचना, फिर किस तरह अपने एम्पायर को खड़ा करना, एंड फिर एक वो जोन आएगा जब जहाँ पर वो कहते हैं कि 20 साल के बाद का लगड़ा के चलता है छड़ी लेकर, क्योंकि 20 साल पहले बाघिन से जो फाइट से उसका जो पैर जो है वो कट गया। फिर एक बाघ अवतार, जब वो बाघ का अवतार ले लेगा तो वो फैंटेसी वाला जो कैरेक्टर है वो देखने को मिलेगा। तो तीन तरह के शेड्स हैं मेरे जो मैंने निभाए हैं मुझे मिले करने के लिए, और बहुत कमाल का आई थिंक एक ही सीरीज में एक एक्टर को अगर तीन तरह के शेड्स करने को मिले तो यू शुड फील लकी, एंड आई एम फीलिंग वेरी लकी दैट गॉड इज़ काइंड टू मी। कि काफ़ी समय के बाद अगर मैं टीवी पर वापस आया हूँ तो बहुत सारी चीज़ें जो मुझे करने को मिली हैं। इट्स अ कैरेक्टर जिसको देख के मुझे लगता है ऑडियंस विल लव इट, और बहुत एक नई तरह की चीज़ एक ऊपर वाले ने करवाई है व्हेन इट कम्स टू परफॉर्म। आई डोंट नो, मेरे बाल बहुत लंबे किए हैं शो के लिए, एक साल मैंने उस बाल उतने लंबे बालों को मेंटेन किया है, तो वो बड़ा डिफिकल्ट होता है उस इतने लंबे बालों को मेंटेन करना। आज पता चला कि लड़कियाँ किस तरह मैनेज करती होंगी लंबे बालों को, इट्स सो डिफिकल्ट, यू नो, बट हाँ वो हो गया। बहुत मेहनत करी सभी ने इस शो के लिए और मज़ा आएगा अग्नि को देखकर, मुझे इतना मालूम है। रोमांस के लिए भी बहुत टाइम पड़ा है, मैं कौन सा मतलब कर लेंगे रोमांस भी। रही बात ये शो, आई वॉज द फर्स्ट गाय हु साइंड दिस शो लास्ट ईयर सेप्टेम्बर में, आई थिंक मैंने मुझे ये सीरीज ऑफर हुई थी चैनल ने जब मुझे कॉल किया, बिकॉज मैंने इनके साथ ऑलरेडी दो सीरीज कर चुका था जो जिसमें से एक रिलीज हो चुकी है और एक बहुत बड़ी सीरीज है जिसका नाम है ब्लैक ब्रेन, विच इज जहाँ पे देवेंदु भट्टाचार्य, मैं और नैना सिंह हम तीनों हैं मेन किरदार में। वो 6 एपिसोड की सीरीज है, बड़ी अच्छी है, थ्रिलर हॉरर है वो भी। तो फिर उसके बाद इन्होंने मुझे ये वाली ऑफर करी, तो ऐसे एक शो लेके आ रहे, तब किरदार के बारे में नहीं मालूम था, तो मैंने कहा ओके कर लेते हैं, तो कर लिया। फिर जब बाद में मुझे वापस से जब नरेशन मिली कैरेक्टर के बारे में पूरा ब्रीफ दिया, एक विस्तार से बैठकर मीटिंग हुई, तो मुझे कैरेक्टर्स के सारे जो शेड्स पता चले, तो इट देर वॉज़ ए वाव फैक्टर इन द कैरेक्टर, और उस वाव फैक्टर को किस तरह वाव से भी ऊपर लेके जाना है उस पर काम करना था, वो कैसे हो सकता है। तो फिर वो सोचा कि अगर अग्नि होगा तो भगवान ने बाल बड़े अच्छे दिए हैं तो क्यों ना बालों का लंबा कर लूँ, क्योंकि आधी ऑडियंस तो बालों में मरती है ना, सो बाल लंबे किए, वो कैरेक्टर में फिट बैठा। और पता नहीं चला कब कैसे एक साल बीत गया। और रही बात नेगेटिव की, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने रोमांस भी किया है, दो शोज रोमांटिक किए हैं जिसमें जीत गए तो पिया मौर्य और कलश। आई लव्ड रोमांस, आई लव्ड यू नो डूइंग रोमांस ऑन स्क्रीन, बिकॉज बहुत डिफिकल्ट होता है वो करना। और नेगेटिव में मैंने बहुत सारे किए हैं, और आई थिंक अच्छे किरदार भी मैंने बहुत सारे निभाए हैं,
बट जो मजा मुझे ये करने में आया बींग अ नेगेटिव कैरेक्टर बिकॉज इट्स टोटली डिफरेंट फ्रॉम फ्रॉम ऑल द कैरेक्टर्स व्हिच आई हैव प्लेड इनिशियली जितने भी मेरे नेगेटिव किरदार रहे हैं. तो इसको आप एंटी विलन बोल सकते हो. विलन तो होता ही है ना, बट एंटी विलन, यू नो, एक एंटी हीरो होता है, बट इट्स मोर लाइक एंटी विलन. आई बिलीव ये किरदार को लोग पसंद करेंगे, दे विल फॉल इन लव विद दिस कैरेक्टर. डू यू हैव एनी स्ट्रेटजीज जो आपने सेट पे कुछ क्रिएट किया हो, ऐसे कुछ प्रैंक किया हो, समथिंग लाइक दैट? प्रैंक, मैं वैसे ही बड़ा फनी इंसान हूँ, मतलब मजाक मस्ती चलती रहती है, मजाक मस्ती मैं करता रहता हूँ. तो बट वो प्रैंक वाला ऐसा कुछ नहीं किया, बट हाँ मैं गाता रहता था बहुत, और एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बना के रखता था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सेट का जो माहौल है वो पॉजिटिव रहना चाहिए. बिकॉज वो उस अगर आप पॉजिटिव एनवायरनमेंट नहीं क्रिएट करेंगे तो वो